जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना हमलों के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। मकामी लोगों को पुलिस ने अलर्ट किया है। मुश्तबा सरगर्मियों पर पुलिस ने जानकारी मांगी है। कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी आपको अगर होती हुई दिखाई देती है तो फौरन पुलिस को जानकारी दें, और पुलिस भी ऐसी सरगर्मियों पर नजर बनाए हुए हैं। आम लोगों से मोहतात रहने की अपील की गई है। तो एक तरफ चौकसी बरती जा रही है क्योंकि कई जगह पर ये ऑपरेशन चल रहे हैं, ऐसे में काफी मुश्किलात का सामना लोगों को करना पड़ सकता है। इसको लेकर लोगों से मोहतात रहने की अपील की है, और कुछ दहशतगर्दों के स्केचेस भी जारी किए गए हैं, उनकी जानकारी देने पर भी इनाम भी दिया जाएगा, इनाम का ऐलान भी किया गया है। तो अलग अलग जगहों पर एनकाउंटर की खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है, और 72 घंटे में चौथा एनकाउंटर की खबर है, और चौथा हमला दहशतगर्दों की तरफ से किया गया है। कठुआ से लेकर रोडा के कई इलाके, वहीं रियासी में हुए हमले को लेकर भी अभी तक दहशतगर्दों की शिनाख्त की जा रही है, और दहशतगर्दों की धरपकड़ तेज की जा रही है। और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे राजा रेबर, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजा, लगातार जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में दहशतगर्दाना हमले बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया, और क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, 24 घंटे के अंदर जो है जिला डोडा में दूसरा आतंकी हमला जो है गुंडों में जो है देखा गया है। कल देर शाम जो है वो गुंडों के कोटा टॉप इलाके में जो है एक सर्च पार्टी पर जो है वो हमला किया है, जिसमें एक पुलिसकर्मी जो है वो जख्मी हुआ है, जिसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के लिए जो है रेफर किया गया है। सर्च ऑपरेशन अभी भी बड़े पैमाने पर जो है उस एरिया में चल रहा है, पूरी रात जो है सर्च ऑपरेशन चलता रहा है, और इस वक्त भी ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। और उसके साथ साथ जो छतरगला एरिया है जहाँ हमारे 6 जवान जो है वो जख्मी हुए थे, वहाँ भी बड़े पैमाने पर जो है वो सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और यहीं इसी अफना में जो है सिक्योरिटी फोर्सेज और हाई कमान ने जो है वो तमाम लोगों से जो है वो अपील की है कि कोई भी सस्पिशियस मोमेंट या कोई संदिग्ध वस्तु कोई कहीं देखता है तो उसके बारे में जो है फौरन सिक्योरिटी फोर्सेज को जो है वो इन्फॉर्म किया जाए। ये पिछले 72 घंटों में चौथा हमला है जो कंटिन्यू जो है जम्मू कश्मीर में चल रहा है। और हाल ही में जिला डोडा की बात करूं तो जिला डोडा के ही 2 इलाकों में जो है 24 घंटे के अंदर जो है ये हुआ है। तो कहीं ना कहीं तशवीश का मौजूद है, और सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए काफी चैलेंजेस है क्योंकि टेरेन बड़ा टफ है। जहां जहां ये हमले हो रहे हैं बड़ा टफ टेरेन है। पहले जो छतरगला का एरिया है 12,700 फीट की ऊंचाई पर वाका वो कैंप था जिस पर हमला किया गया था, और उसके बाद 24 घंटे के अंदर गुंडों के कोटा टॉप इलाका जो दूर अफादा इलाका है वो भी बहुत हाई एल्टीट्यूड है, मिडो है, वहां जो है ये हमला हुआ है। जब सर्च पार्टी जो पुलिस की टुकड़ी है वो सर्च ऑपरेशन चला रही थी तो उस पर जो है आनन फानन में फायर जो है वहां से खुला है, और उसके बाद जो है एक जो पुलिस कर्मी है वो जख्मी हुआ है। तो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए और सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए काफी चैलेंजिंग जो है ये टेरेन जो है बहुत टफ है। जैसा DIG DKR जो श्रीधर पाटिल ने कल मीडिया से बात करते हुए भी कहा कि यहाँ सर्च ऑपरेशन में जो है इसलिए भी देरी हो रही है क्योंकि टेरेन जो है बहुत टफ है, सिक्योरिटी फोर्सेज को बहुत मुश्किल जो है करनी पड़ रही है उनका पीछा करने में। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं काफी मुश्किलात का सामना है, और लगातार दहशतगर्दों की तरफ से चेताया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर जानकारी मिल रही है कि ये हमले देखने को मिल रहे हैं, और ऐसे में खास करके जंगली इलाकों का फायदा यहाँ पर दहशतगर्द उठाते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट के साथ साथ मोहतात रहते हुए इनकी तलाश करनी पड़ रही है। शायद यही वजह है कि जो ऑपरेशन कम्प्लीट होने में देरी देखने को मिल रही है। राजा, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसा कि DIG DKR श्रीधर पाटिल ने भी कल जो हमसे बात की थी उसमें उन्होंने ये बताया था कि जो एरियाज हैं दुर्गम क्षेत्र हैं, दूर अफादा इलाके हैं, जंगली क्षेत्र है, घना जंगल है और पहाड़ी क्षेत्र है, तो जिसमें जो सर्च ऑपरेशन चलाने में जो है काफी मुश्किल हो रही है, और जिसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए पहले तो जो सर्च ऑपरेशन वो एक चैलेंज है, और अपनी सेफ्टी भी एक चैलेंज है कि अपनी सेफ्टी को भी मद्देनजर रखते हुए जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जाए ताकि लोगों की जानो माल की जो है हिफाजत की जा सके। इसके लिए जो है बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है चलाए जा रहे हैं। हालांकि जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो अपनी फिक्र तो नहीं कर रही, लेकिन लोगों की फिक्र में जो है पिछले 24 घंटे से लगातार जिला डोडा के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें छतरगला का दुर्गम इलाका और कोटा टॉप फारा एरिया जो जिला डोडा का है वहां भी जो है चल रहा है। क्योंकि पहले जो छतरगला में परसों शाम को देर रात को जो कैंपर अटैक हुआ था, उसके बाद जो है कल शाम देर शाम को जो है कोटा टॉप से जो है वो एनकाउंटर जो है वहां हुआ है, उसके बाद सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर चल रहा है। क्योंकि जब
सर्च पार्टी जो है वो सर्च ऑपरेशन कर रही थी, तो उस पर आनन फानन में जो है वो फायरिंग की गई, जिसमें एक जो पुलिस कर्मी है वो जख्मी हुआ है और उसे जो है हॉस्पिटल के लिए शिफ्ट किया गया है। इस वक्त जो है सिक्योरिटी फोर्स जिसमें आर्मी पुलिस एसओजी जो है दोनों एरियाज में जो है वो जी सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं।